बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं सुधाकर पांडे, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज, आज आपको कुलाम के नियम के बारे में अध्ययन कराऊंगा। इसके पहले के वीडियो में बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर दो आवेश एक दूसरे के समीप लाए जाएं तो वो एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करते हैं, लेकिन वहाँ हमने उसके परिमाण के बारे में बात नहीं किया था। आज के वीडियो में हम उसके परिमाण के बारे में बात करेंगे, जो कि कुलाम का नियम है। कुलाम का नियम क्या कहता है? कुलाम के नियम के अनुसार कि किन्हीं दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, जो कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के रूप में हो सकता है, उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का तात्पर्य है कि हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं। एक आवेश है Q1, दूसरा बिंदु आवेश है Q2। दोनों एक दूसरे से r दूरी पर अगर रखे गए हैं, ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश है Q1, दूसरा बिंदु आवेश है Q2, और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, तो कुलाम के नियम के अनुसार इनके मध्य लगने वाला बल F इनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2। F इज इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। R दूरी है तो F ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया R स्क्वायर के। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को मिला दिया जाए तो देखें समीकरण 1 एवं 2 से तो हमारे पास मिल जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों, हमने यहाँ पे मॉड हटा दिया है, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ हम सिर्फ परिमाण लेंगे, उसके चिन्ह को नहीं लेंगे। अब अगर हम इसी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदल दें तो उस स्थिति में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक नियतांक आ जाता है K, जिसे हम समानुपातिक नियतांक भी कहते हैं, कुलाम का नियतांक भी कहते हैं और यह वैद्युत नियतांक कहते हैं। याद रखिएगा K क्या है, यहाँ पे समानुपातिक नियतांक। हम इसे क्या कह सकते हैं, अथवा कूलाम का नियतांक या वैद्युत नियतांक, आप जो कहना चाहे कह सकते हैं। के का मान दो चीजों पर निर्भर करता है, याद रखेंगे के की वैल्यू वो दो चीजों पर निर्भर करेगी, पहला मापन पद्धति पर, दूसरा माध्यम पर, अर्थात दोनों आवेशों के मध्य का माध्यम क्या है ये इस बात पर निर्भर करेगा। जैसे अगर हम सीजेस पद्धति ले लें, याद रखेंगे K की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, K का मान 1 होगा तो कुलाम का नियम हो जाएगा वहां पे F इज इक्वल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। याद रखिएगा सीजेस पद्धति जब आप लेंगे तो वहां पर आवेश को आप स्टेट कुलाम में, दूरी को सेंटीमीटर में और बल को डाइन के मात्रक में मापन करते हैं, तथा यदि अगर यही पद्धति हमारी SI पद्धति हो जाए तब जो K का मान होगा तो उस स्थिति में वो वैल्यू हो जाएगी 1/4πε, अथवा हम इसी को लिख सकते हैं K = 1/4πε₀εr, जहां एप्साइलन उस माध्यम की वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट को अगर बात करें तो यह निर्वात की वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन आर माध्यम की सापेक्ष वैद्युतशीलता कहलाती है। एप्सिलॉन आर का मान माध्यम पर निर्भर करता है, अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होगा। अब अगर हम यहां बात करें निर्वात के लिए, याद रखिएगा कि माध्यम हमारा क्या हो गया, निर्वात हो गया, पद्धति क्या है, SI पद्धति है, तो जो K का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε₀, क्योंकि यहां पे एप्सिलॉन आर का जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू हम लेंगे 9×10⁻¹, और तब हमारे पास कुलाम का जो नियम बन जाएगा वो नियम हो जाएगा 1/4πε₀ Q1 Q2 / R स्क्वायर। ये चूंकि
की निर्वात में ले रहे हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे एक नॉट का सिंबल लगा सकते हैं, जो कि ये दिखाएगा कि ये हमने किस में लिया हुआ है, ये निर्वात में लिया हुआ है। अगर यही हम माध्यम ले लें तो उस स्थिति में ये एप्सिलॉन आर का कुछ मान आ जाएगा, और तब अगर हम वहाँ बात करेंगे तो एफ एम आ जाएगा। बच्चों, अगर दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम हो उस स्थिति में कूलम्ब का नियम क्या होगा? तो अगर माध्यम है तो हम इसी को एफ एम से लिखेंगे, और तब ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। या आप इसी को चाहें तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, जहां के उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। याद रखिएगा कि जो होगा वो होगा माध्यम का परावैद्युतांक, या इसी को उसकी सापेक्ष वैद्युतशीलता भी कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं बात करूं तो एफ एम आप चाहे तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1/k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यह वैल्यू हमने पहले भी निकाली है जिसको आपने एफ नॉट लिखा था, और ऐसी स्थिति में अगर मैं बात करूं तो एफ एम ये वैल्यू हो जाएगी एफ नॉट बटे के, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, या इसी को उसकी हम निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। अब बच्चों, जरा हम केस वन की बात करते हैं। जरा देखें, यदि दोनों आवेशों का गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तब ऐसी स्थिति में दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। अर्थात दोनों आवेश या तो धनावेश हैं या तो ऋण आवेश हैं। ऐसी स्थिति में उनके बीच में लगने वाला जो बल का मान होगा वो ग्रेटर देन जीरो अर्थात प्रतिकर्षण का बल होगा। एवं यदि केस टू में याद रखिएगा कि यदि दोनों आवेशों का गुणनफल, यहां परिमाण के साथ चिन्ह भी है, वो लेस देन जीरो हो जाए अर्थात ऋणात्मक हो जाए, तो दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे। और तब जो एफ का मान होगा वो लेस देन जीरो होगा अर्थात ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक यानी उनके बीच का जो बल है वो आकर्षण का बल होगा, याद रखिएगा। लेकिन कूलम्ब के नियम को लगाते समय एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, वहां से परिमाण लीजिएगा, चिन्ह को मत लीजिएगा। चिन्ह की का निर्धारण हम बाद में करेंगे, यानी बल की दिशा का निर्धारण हम बाद में करेंगे, जिसको हम इसके सदिश के रूप में पढ़ेंगे। अब हम इस चीज़ को एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं। बच्चों, कूलम्ब के नियम को हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसा कि सामने आपको देखें प्रश्न लिखा हुआ है कि दो बिंदु आवेश जिन पर +2×10⁻⁶ कूलम्ब एवं -4×10⁻⁶ कूलम्ब का आवेश है, वो निर्वात में एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो हमें बताना है कि आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल एवं उसकी प्रकृति क्या होगी, तथा यदि आवेशों को माध्यम में जिसका परावैद्युतांक के बराबर 80 हो में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य कार्य करने वाले बल का मान क्या होगा। प्रश्न में देखें बच्चों, हमें दो आवेश दिए हुए हैं। आवेशों की मान की बात करें तो यहां Q1 दिया है Q1 बराबर +2×10⁻⁶ कूलम, Q2 बराबर -4×10⁻⁶ कूलम। इनके मध्य की दूरी R और ये हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यानी 10×10⁻²⁰ मीटर, या हम इसे लिख सकते हैं 0.1 मीटर। अब हमें जो इनको निकालना है, पहली स्थिति में यदि ये निर्वात में है तो इनके मध्य में कितना बल लग रहा है इसकी बात करनी है। तो पहली स्थिति की हम बात करें तो
कूलाम के नियम से अगर बात करें तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F, आप इसे लिख सकते हैं K इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, या हमने बताया था 9 इंटू टेन टू पावर 9 इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। याद रखिएगा यहां हम सिर्फ इसके परिमाण लेंगे। अगर हम बल की बात करें तो ये हो जाएगा 9 इंटू टेन टू पावर 9 इंटू टू इंटू टेन टू पावर माइनस 6। देखिए प्लस था लेकिन हमने ये लिया हुआ है प्लस, यहां माइनस है लेकिन हमने कहा था हम सिर्फ साइन लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन नहीं लेंगे। तो हम लेंगे 4 इंटू टेन टू पावर माइनस 6 बटे 0.1 स्क्वायर। सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 4 8 9 72 इंटू 9 माइनस 6 यानी 10 टू पावर 9 माइनस 12 डिवाइड बाई 0.01, यानी हमारे पास क्या मिलेगा 72 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 प्लस 2, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 72 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 यानी 7.2 न्यूटन। अर्थात अगर हम आवेशों को निर्वात में रखते हैं तो उनके मध्य में इतने न्यूटन का बल कार्य करेगा। प्रकृति की बात करें तो बल की जो प्रकृति होगी, चूंकि दोनों ही आवेशों के चिन्ह की बात करें वो विपरीत चिन्ह है, और मैंने आपको बताया था कि यदि आवेशों पर विपरीत चिन्ह होगा तो उनके बीच में जो बल का प्रकृति होगा वो आकर्षण होगा। यानी अगर हम यहां प्रकृति की बात करें तो बल आकर्षण का बल होगा। याद रखिएगा बल का परिमाण 7.2 न्यूटन, और बल की प्रकृति की बात करें तो यह आकर्षण का बल है। दूसरी स्थिति में अब जरा हम बात करें, अब यह कह रहा है कि इन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर लेकिन एक माध्यम जिसका परावैद्युतांक दिया हुआ 80 उसमें रख दिया जाए तो क्या बल कार्य होगा। तो मैंने आपको बताया था कि बल माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल एफ एम ये बराबर होगा एफ नॉट डिवाइड बाई के। मान रख लिया जाए एफ नॉट की वैल्यू हमारे पास है 7.2 डिवाइड बाई 80 न्यूटन, यानी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 0.72 डिवाइड बाई 8 यानी होगा 0.09 न्यूटन। अर्थात माध्यम में रखने पर आवेश के बीच के बल लगने वाला बल का मान हो जाएगा 0.09 न्यूटन और निर्वात में है 7.2 न्यूटन। बच्चों कूलाम के नियम में भी हम लोगों ने देखा था कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इक्वलिटी में बदलते थे तो एक नियतांक आता है। एसआई पद्धति में एवं निर्वात में इस नियतांक जिसको हम वैद्युत नियतांक या कूलाम का नियतांक भी कहते हैं का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो है 1/4πε0 और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁻¹। यहाँ जो एप्साइलन नॉट है इसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम इसी निर्वात की वैद्युतशीलता के मात्रक बीमी सूत्र एवं आंकिक मान की बात करेंगे। बच्चों अब हम एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की बात करेंगे। एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की अगर बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कूलाम के नियम से एसआई पद्धति एवं निर्वात में पद्धति एसआई हो माध्यम हमारा निर्वात हो तो जो कूलाम का नियम है वो होगा एफ इजिकल टू 1/4πε0 q1 q2 / r². हम यहां से एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम यहां से बात करें तो अतः एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा 1/4πq1 q2 / f²। अब अगर एप्सिलॉन नॉट के मात्रा की बात किया जाए क्योंकि ये कांस्टेंट है आवेश का मात्रा कूलाम होगा तो हम अगर उसको रखें तो ये होगा कूलाम इंटू कूलाम अर्थात कूलाम स्क्वायर बटे बल का मात्रक न्यूटन होगा तो न्यूटन इंटू दूरी का मात्रक मीटर है तो मीटर स्क्वायर, या किसी को लिखना चाहें तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर
न्यूटन, इनवर्स मीटर की पावर माइनस टू। शॉर्ट में लिखना चाहें तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम एप्सिलॉन नॉट के बीमी सूत्र की बात करें, बच्चों कूलम्ब का जो मात्रक है अगर हम उसकी बीमा की बात करें तो वो हो जाएगा विद्युत धारा ए इंटू समय टी और ये स्क्वायर बटे। बल की बीमी सूत्र यानी न्यूटन की बात करेंगे तो न्यूटन के लिए हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस टू इंटू दूरी मीटर है यानी एल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास बचेगा क्या, एम की पावर माइनस वन एल स्क्वायर इंटू एल, ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस थ्री टी की पावर माइनस टू और टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर फोर ए स्क्वायर। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र। अब हम एप्सिलॉन नॉट के मान की बात करते हैं, आंकिक मान जिसे आप कहते हैं। अगर हम इसके आंकिक मान की बात करें तो मैंने अभी आपसे बात किया कि जैसा कि 1/4πε0 इसकी जो वैल्यू है वो है 9×10⁹। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात किया जाए तो एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा 1/4π×9×10⁹ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए तो ये वैल्यू हमारे पास मिलेगी 8.854×10⁻¹2 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान हो जाएगा। इस प्रकार हम एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की बात करते हैं तो कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बीमी सूत्र की बात करते हैं तो एम की पावर माइनस वन एल की पावर माइनस थ्री टी की पावर फोर ए की पावर टू हमें प्राप्त होती है। तथा एप्सिलॉन नॉट के आंकिक मान की बात करते हैं तो ये होगा 8.854×10⁻¹2 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।